अभी अलग अभी अलग अभी अलग है जो शिक्षा कर्मी बनाए और ये बनाए बिजली का अपमान माफ किया खर्चो अपना किसान को देना पड़ा आप पटरी पे नहीं आ पा रहे आप खाबरी जी आप पत्रकार वार्ता थी और मंत्री जी नहीं दिख रहे मंत्री जी को वहाँ लगाया ना अलग अलग जिम्मेवारी नहीं लिस्ट में उनका नाम है कहीं बदला हो तो अलग बात है लेकिन ललितपुर का नाम दिया राहुल जी के जो बयान डंडे वाला बयान अभी पूरे में उससे बवाल हो गया पूरे में नहीं जो डंडे वाले बयान पे जो बात आई है उसको ट्वीट किया गया है डंडे वाला बयान उन्होंने ये नहीं बोला था हमें ऐसा लग रहा था जो उन्होंने बोला था अगर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी नहीं तो डंडे गलवाओगे पीएम में हम क्यों गलवाएंगे फिर ये ऐसा नहीं इसी को तो घुमा दिया गया बोई शाहीन बाग में भी तो बोई हो रहा है बोई करवा रहे हैं आप लोग हम लोग नहीं बीजेपी कह रही है बीजेपी तो जो कहेगी बोई सब लोग सुन रहे हैं हम लोग भी लेकिन उनको कहने के पहले बहुत पुराना काम भूल जाए इस पर चर्चा से आलू डालो उधर सोना निकलेगा बीच की बात को गोल कर गए तो जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें से जो हमारी बात होती है जो हमारे पक्ष में होती है उसको वो काट करके उसको जोड़ करके उसको कौन कौन करता है ये सब बीजेपी लेकिन सांसद जी बीच की बात तो कांग्रेस समझा भी नहीं पाई है क्या कहना चाह रहे थे समझे हैं लोग राहुल नहीं है ये समझाया उन्होंने ये कहा था पार्लियामेंट में आप लोग भी सुन रहे थे बेरोजगारी बेलगाम है बेरोजगारी जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो यही आपको डंडा मारेंगे थोड़ी मारा था कि हमने कह दिया तुम डंडा मारो यही लोग ऐसा करेंगे हम लोग भी कहते हैं यार यार सुधर जाओ वरना तुम्हारे साथ ये होगा ये बोला उन्होंने अब अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग कैसे आओगे सत्ता में हाँ बताओ जरा मैं सत्ता कैसे आओगे फिर नहीं तो आप लोग तो आप डंडा लेके आएंगे कि नहीं आएंगे ये देश जिन लोगों का है अगर ये देश को उजाड़ा जा रहा है तो उजाड़ने के लिए जितने भी देशभक्त हैं वो डंडा लेके आएंगे कि भाई इन्हें भगाओ कहने का उनका आशा ये कलेक्ट करेंगे जब कलेक्ट करने के बाद हमें लगेगा कि ये तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे निपट सकती है तो उनकी समस्या को हम ब्लॉक या तहसील पर जाके बात करेंगे वहाँ पे अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसको लेकर के डीएम और कमिश्नरी तक जाएंगे डीएम कमिश्नरी से समस्याओं का जो समाधान हो जाएगा जो शेष नहीं समाधान होता है तो इस लड़ाई को हम ले जाके सरकार के सामने 17 मार्च को किसान मार्च के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे प्रदेश भर की समस्याएं हमारे किसानों की ये हैं लखनऊ में अगर इन समस्याओं का समाधान आपके पास है तो किसान को जवाब दो तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस के नेता आदरणीय सोनिया जी राहुल जी और प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी ने इस काम को हम लोगों को सौंपा है अच्छा झांसी जिले में क्या कुछ गाँव चिन्हित किए गए हर एक गाँव हमारे पास जो समय है जो हमारी टीम है वो हर एक गांव जाएगी और अपने किसानों के बीच में चौपाल या मिलना बैठना उठना जो भी गांव में समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को नोट करेंगे और नोट करते हुए जो हमने एक फोल्डर भी बनाए हैं उनको भरवाएंगे क्या क्या आपकी समस्याएं हैं वो शायद आपके पास पहुंच भी जाएगा अभी या पहुंच गया होगा जिन जिन समस्याओं को हम चिन्हित करेंगे वो सारा का सारा लेके हम 17 मार्च को सरकार के समापन हो जाएगा ना हाँ सरकार तो के सामने रखेंगे कभी समझ लीजिए सवा महीना आपके पास लगातार हम रहेंगे पीछे आप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में सभी गांव में संभव है क्या है कितने क्यों नहीं कितने लोग हैं कितने कार्यकर्ता टीम में आपकी बात हुई है आपने देखिए ये तो हमारा काम है हमारी कौन से काम लेना हमें आपसे काम लेना होगा तो हम आपके हाथ जोड़ेंगे आप टीम है जो हमारे नए पुराने वर्कर हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस के लिए क्षेत्र बहुत बड़ा है इसीलिए ज्यादा बड़ी टीम करेंगे समय कम है तो हमें आदमी ज्यादा लगाने प्रत्येक ब्लॉक से 30 आदमियों को लगा ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रत्येक ब्लॉक से 30 लोगों को लगाया गया इस तरीके से मिलता है तो तहसील पर कराएंगे जिले पे मिलता है तो जिले पर समस्याओं के समाधान ना होने की दिशा में हम आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे प्रदेश से जब जो समस्याएं कलेक्ट होंगी उनको ले जा करके हम 17 मार्च को किसान मार्च के रूप में सरकार के सामने मैं दस्तावेज के इकट्ठे होकर देखेंगे कि इतने लाख समस्याएं हमारे प्रदेश में किसानों की हैं इनका समाधान सरकार के पास क्या है उनसे हम पूछेंगे ये हमारा एक कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में 17 मार्च को
अभी हमारा काम किसानों के ऊपर दिया गया है दिल्ली का, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, हम लड़ाई में हैं, हम लड़ाई आज लड़ रहे हैं, 11 को रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने होगा। हम ये चाहेंगे दिल्ली में किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने, ये हमारा सबका विपक्ष का एक वो है और वो जारी है।